कोरोना वायरस पैंडमिक से भारत की मूवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बची नहीं है। भारत के बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स भी इस कोरोना वायरस पैंडमिक से बहुत परेशान हैं। डॉक्टर्स या साइंटिस्ट की माने तो इस पैंडमिक का इलाज खोजने में बहुत वक्त लग सकता है, और हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट की माने तो इस पैंडमिक से इकोनॉमी पर भी बहुत प्रभाव पड़ सकता है। पर क्या आप जानते हैं इस पैंडमिक का हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामचीन स्टार्स की लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आया है? अगर नहीं, देन वॉच दिस वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिग बी अमिताभ बच्चन और उनकी पूरी बच्चन फैमिली भी कोरोना वायरस से सफ़र कर रही है। करंटली अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन मुंबई में मौजूद नानावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। 11 जुलाई 2020 अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट शेयर किया और अपने फैंस को बताया कि अभी अमिताभ बच्चन भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। उनकी कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाई गई है और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अभिषेक बच्चन ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर अपने फैंस से ये गुजारिश की कि ज़्यादा परेशान ना हो, और ये बताया कि वो अभी कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। और कुछ ही दिन बाद एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी नानावती हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव पाई गई। आई होप कि बच्चन फैमिली जल्दी रिकवर हो जाएगी। तमिल एक्टर ऐश्वर्या अर्जुन, जिनकी कुछ फेमस मूवीज जैसे प्रेमा बहारा या पतराहु यानी के बारे में शायद आप जरूर जानते होंगे। तमिल एक्टर अर्जुन सारच की बेटी ऐश्वर्या अर्जुन भी कोविड पॉजिटिव पाई गई, जिसके बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किया था। लास्ट वीक ऐश्वर्या के कजन ध्रुव सारच और उनकी वाइफ भी कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। ऐश्वर्या अर्जुन अभी कुछ वक्त से होम क्वारंटीन में रह रही थी और अब वो पूरी तरह ठीक है। 28 जुलाई 2020 को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने फैंस को इन्फॉर्म किया कि अब उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है और अब वो पूरी तरह ठीक है। इंडियन सीरियल कसौटी जिंदगी की एक फेमस एक्टर पार्थ सामथान, जिनके बारे में शायद आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे। 12 जुलाई 2020 को पार्थ कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में भी शेयर किया था। और पार्थ ने ये भी शेयर किया था कि वो अपने घर पर होम क्वारंटीन पर रह रहे हैं। पार्थ के कोविड पॉजिटिव होने के कारण कसौटी जिंदगी की रिबूट को पूरी तरह से रोक दिया गया और उनके को स्टार्स एरिका फर्नांडिस, करण पटेल, आमना शरीफ और पूजा बनर्जी सबका कोविड टेस्ट कराया गया और खुशकिस्मती से कोविड टेस्ट नेगेटिव पाया गया। और अब 2 सप्ताह बाद पार्थ पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर पूरब कोहली, जिनकी कुछ फेमस मूवीज के बारे में आप जरूर जानते होंगे, जैसे रॉक ऑन, एयरलिफ्ट या नूर। कोहली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने फैंस को इन्फॉर्म किया कि वो और उनकी पूरी फैमिली अभी होम क्वारंटीन से गुजर रही है। कोहली ने बताया कि उनकी बेटी पर सबसे पहले कोविड-19 के लक्षण देखने को मिले थे और अब उनकी वाइफ भी कफ और फीवर से परेशान है और अब पूरी कोहली फैमिली कोविड-19 से जूझ रही है। 41 वर्षीय एक्टर कोहली ने बताया कि कोरोना वायरस एक आम फ्लू की तरह ही महसूस होता है, पर बस इसमें ज़्यादा कफ होता है और इसमें सांस लेने में भी परेशानी होती है। वी होप कि कोहली और उनकी फैमिली जल्द ही ठीक हो जाएगी। मूवी इश्कबाज के एक्टर सरेनु पारिक भी कोविड पॉजिटिव पाई गई। पारिक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इन्फॉर्म किया कि कुछ दिन पहले से पारिक कोविड पॉजिटिव पाई गई थी और अब वो अपने ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करा रही है। पारिक ने अपने फैंस को थैंक्स कहा फॉर प्रेइंग हर और उन्होंने बताया कि अब वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।